हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्मा सेल्फ मैक में। तो दोस्तों, आज हमारे पास आया है ट्रैक्टर स्वराज 735। इसका अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम्स में यह है कि ये चार्जिंग बल्ब को बंद नहीं कर रहा है। ट्रैक्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों देखिए, चार्जिंग बल्ब हमारा जल रहा है, बंद नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, जल रहा है। तो दोस्तों, अल्टरनेटर को हम ट्रैक्टर से खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि जो भी जानकारी है पूरी आपके समझ में आ सके। तो दोस्तों, अल्टरनेटर को हमने ट्रैक्टर से खोल लिया है। तो दोस्तों, ये अल्टरनेटर है लूकस TVS का और ये टाटा 407 मॉडल है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसे हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका कैप खोल लेंगे। तो दोस्तों, इसके कैप को हमने खोल लिया और इसके कटआउट को हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, यह है इसका कटआउट, इसे हमने खोल लिया है। तो दोस्तों, अभी हमने अल्टरनेटर को पूरा खोल दिया है और अब इसका हम एक एक पार्ट चेक करेंगे कि कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, देखते रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके रोटर को चेक करेंगे। तो दोस्तों, रोटर सही है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ये अर्थ भी नहीं है, एकदम ओके है। और उसके बाद दोस्तों, हम इसका रेक्टिफायर प्लेट को सोल्डिंग हटा लेंगे और रेक्टिफायर प्लेट को वायर निकाल लेंगे और उसके बाद हम रेक्टिफायर प्लेट को चेक करेंगे। तो दोस्तों, रेक्टिफायर प्लेट हमारी निकल गई है और अब इसे हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, रेक्टिफायर प्लेट को कैसे चेक करना है उसके लिए पहले से मैंने वीडियो डाल रखी है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वहां से आप देखकर प्लेट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं इसे चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसे ही चेक कर रहा हूँ और पूरी जानकारी उसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम सप्लाई लेंगे 12 वोल्ट की और उसके बाद एक लेंगे टेस्टिंग बल्ब और उसके बाद हम उन्हें सीरीज में लगा लेंगे और फिर एक वायर को हम प्लेट के नीचे वाले हिस्से पे लगाएंगे। जो ग्राउंड होता है वहाँ पे हम एक वायर को लगाएंगे और फिर जहाँ पे स्टेटर के वायर लगते हैं वहाँ पे हम चेक करेंगे तीनों पॉइंटों पर। दोस्तों, एक तरफ बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। तो दोस्तों, इन वायरों को हम चेंज कर लेंगे, ये वायर चेंज करेंगे फिर वैसे ही लगाएंगे। तो दोस्तों, एक तरफ हमारा बल्ब जलेगा और एक तरफ नहीं जलेगा। इसी प्रकार हम दोस्तों, जो जिसमें हम मेन करंट का वायर लगाते हैं उस पर एक वायर लगाएंगे और इन पॉइंट पर लगाएंगे। तो दोस्तों, एक तरफ जल रहा है और एक तरफ नहीं जल रहा है। ऐसे दोस्तों, जो पत्ती हमारी कार्बन पे लगती है उसमें भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे और वायर को पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, एक तरफ जल रहा है, एक तरफ नहीं जल रहा है। तो दोस्तों, अगर दोनों तरफ जलता है तो हमारी रेक्टिफायर प्लेट ख़राब है, या एक तरफ से जलता है और दूसरी तरफ से भी नहीं जलता है तो भी हमारी रेक्टिफायर प्लेट ख़राब है। तो दोस्तों, ये रेक्टिफायर प्लेट सही है बिल्कुल। तो दोस्तों, अब हम स्टेटर को चेक करेंगे। और दोस्तों, स्टेटर में तीन कॉइल होती हैं। तो दोस्तों, ये जो दूसरा सिरा होता है हमारे कॉइल का, वो तीनों एक में बंधे होते हैं। तो इन्हें हम खोल लेंगे और दोस्तों, इन्हें अलग कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारी कॉइल जो है अलग अलग हो जाएंगी, तीनों कॉइल हमारी अलग हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अब हम लाइट से सीरीज बनाएंगे और उस सीरीज से हम इसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, स्टेटर को कैसे चेक करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखी है और वहां से आप पूरी जानकारी के साथ इसे चेक कर सकते हैं, देखकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वायर को एक सिरे पर लगाएंगे तो जो दूसरा सिरा है उस पर लगाएंगे तो बल्ब हमारा जलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस एक वायर पे लगाते हैं तो उधर भी एक ही वायर पे
हमारा बल्ब जलेगा, ना कि तीनों वायर पर। अगर तीनों वायर पर जलता है तो दोस्तों हमारा स्टेटर ख़राब है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम तीनों कॉइल को अलग अलग चेक कर लेंगे। अगर दोस्तों हम एक वायर पर लगाते हैं और तीनों वायर पर हमारा बल्ब जलता है तो दोस्तों इसमें शॉर्टिंग है, हमारा स्टेटर ख़राब है। लेकिन दोस्तों ये स्टेटर बिल्कुल सही है, जिस तरीके से हम चेक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए इसे हम फिर से वैसे ही सोल्डिंग कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम कटआउट को चेक करेंगे। तो दोस्तों जब कटआउट को मैंने चेक किया तो दोस्तों ये कटआउट ही ख़राब निकला। दोस्तों ये कटआउट ख़राब है और हम इसमें नया कटआउट लगाएंगे। तो दोस्तों कटआउट को कैसे चेक करना है उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसे अब हम फिट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम रेक्टिफायर प्लेट को लगा लेंगे और उसके बाद उसमें अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें हमने अच्छे से सोल्डिंग कर ली है और उसे हम रोटर में बैठाते हैं और उसे फिट करते हैं, इसके नट टाइट करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारे पुराने कार्बन और इन्हें हम हटा देंगे और नया कार्बन लगाएंगे। तो दोस्तों ये है नए कार्बन और अब इन्हें हम लगाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले कार्बन को फिट कर लेते हैं। दोस्तों कार्बन को फिट करते समय ध्यान रखें कार्बन हमारा कार्बन होल्डर में जाम ना हो, स्लिप रिंग पर लगना चाहिए। दोस्तों ध्यान से देख लें कि स्लिप रिंग में लग रहा है या नहीं। और दोस्तों दूसरे कार्बन को हम फंसाते हैं और कटआउट को भी लगाएंगे। दोस्तों ये कटआउट कार्बन का जो नट होता है उसे हम टाइट करेंगे। तो दोस्तों नट हमने टाइट कर दिया है और हम कटआउट के वायर जो हैं इन्हें लगा लेते हैं। तो दोस्तों कटआउट के वायर हमने लगा दिए हैं और अल्टरनेटर हमारा फिट हो चुका है और कैप को हम लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अल्टरनेटर को हम ट्रैक्टर में फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों अल्टरनेटर को हमने ट्रैक्टर में फिट कर दिया है और अब देखते हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करके कि अल्टरनेटर चार्जिंग कर रहा है या नहीं। दोस्तों आपने देखा कि अल्टरनेटर हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।